उदय कुमारी के द्वारा संपन्न होगा। आपसे कुछ देर बाद हमारे अतिथि बताने वाले हैं। आप सभी दर्शक दीर्घा के साथियों से निवेदन है कि आप थोड़ा सा जगह बनाया गया है जो हमारे के साथी बना हुआ है। साथी जो रिंग छोटे छोटे इंजनों का एक मॉडल ये आप यहाँ खरीद सकते हैं। मैं बता दूं कि पाया तो नहीं है, पाया ही है बिकॉज पहले ये जो डिवीजन है 1969 मई में शुरू हुआ। उसका पहले अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये कटिहार का जो 1887 में 1 अप्रैल 1887 में मनियारी कटिहार कस्बा लिंक जो एमजी लिंक है वो पहले शुरू हुआ था, बट उस समय कटिहार डिवीज़न नहीं था। बाद में जो है मई 1969 में ये डिवीज़न चालू हुआ, 9 नया नया सेक्शंस चालू हुआ उसके बाद। तो कोई ऐसे खोने का तो बात नहीं है। हम लोग डिवीज़न जो है सबसे इम्पॉर्टेंट डिवीज़न है इनएफ रेलवे का और बहुत सारे जोन्स और डिविजन्स को कनेक्ट करते हैं। ईस्टर्न रेलवे से मालदा डिवीजन से कनेक्ट करते हैं, उधर एनएफ रेलवे में अलीपुरद्वार डिवीजन से कनेक्ट करते हैं। ईस्ट में जाए तो ईसीआर का 2 हम लोग का इंटरचेंज पॉइंट्स है, नेपाल का इंटरचेंज पॉइंट है। अगर आप ईस्ट में जाए तो वहाँ पर राधिकापुर है, सिंगाबाद है जो बांग्लादेश से कनेक्ट करते हैं। तो कटिहार डिवीजन जो है एनएफ रेलवे का सबसे इम्पॉर्टेंट एंड ट्रैफिक पैसेंजर सारे ऑल फ्रंट से सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो 50 इयर्स का हम लोग जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम लोग ईच एंड एवरी स्टाफ, ईच एंड एवरी रेलवे पर्सन, ऑफिसर्स सब बहुत प्राइड है इसमें कि हम लोग इसमें शामिल हो पा रहे हैं। और बहुत किस्मत की बात है कि हम लोग आज एजीएम ईसीआर श्री अरुण कुमार शर्मा साहब भी इधर आए हुए हैं, ईसीआर डिवीजन से रेलवे से आए हैं। वो यहाँ पर डीआरएम थे 3 साल करीब, वो भी यहाँ पे आए हैं एक बार रिक्वेस्ट करने से आए हैं। तो कोई ऐसे खोने का बात नहीं है और कटिहार डिवीज़न और अच्छा करेगा और इस साल में भी हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं बाकी पिछले साल से, तो अच्छा ही होगा। क्या योजनाएं हैं सर फ्यूचर की, क्या कुछ डेवलपमेंट की योजनाएं हैं? एक तो जो एस्केलेटर्स यहाँ पे लग रहे हैं प्लेटफॉर्म 1 में, वो एस्केलेटर चालू हो जाएंगे जून महीना में। और एक एस्केलेटर्स जो है वो मॉडल स्टेशन की तरफ जो नया वाला एक स्टेशन बन रहा है तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म बन रहा है तो वहाँ पे वो भी हो जाएगा 1-2 महीना में। लिफ्ट तो ऑलरेडी है, अवेलेबल है। और यहाँ पे हमने अभी डिसाइड किया है कि एक एग्जीक्यूटिव प्रीमियम लाउंज होगा, क्योंकि जो वीआईपीस जो है या जो यहाँ पे 2-3 घंटा के लिए मतलब रहना चाहे पैसेंजर्स भी टूरिस्ट भी, तो वो लाउंज जो हम क्रिएट कर रहे हैं तो अगला 3-4 महीना में वो एग्जीक्यूटिव लाउंज हो जाएगा। वो इंडियन रेलवेज ने काफ़ी सारे स्टेशन्स में अभी है बट कटिहार मंडल में नहीं है, तो यहाँ पे कटिहार में हम लोग कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल में 3-4 महीना में हो जाएगा। और एक हम लोग एग्जीक्यूटिव लाउंज वो भी कर रहे हैं एनजेपी में, तो एनजेपी वाला भी 3-4 महीना में हो जाएगा। ऑलरेडी जगह जो है कर लिया गया है। तो ये छोड़ के भी एनजेपी स्टेशन में 1st फ्लोर में हम लोग एक अपग्रेडेड रिटायरिंग रूम कर रहे हैं जो कि बहुत बढ़िया करके कर रहे हैं। और एसी डॉर्मेटरी भी जगह सब आइडेंटिफाइड है, वो भी पूजा के पहले हो जाएगा। टारगेट दिया हुआ अभी तक जो है हम लोग उससे आगे है, करीब 20% आगे है जो हम लोग का हेडक्वार्टर्स टारगेट दिए हुए हैं, तो उससे 20% करीब टारगेट हम लोग आगे में ही है। तो और इंक्रीज़ होगा इस बार का टारगेट, ताकि काफ़ी स्टिफ दिया गया है, फिर भी हम लोग टारगेट से ऊपर ही है। फ्रेट अर्निंग हम लोग का बहुत अच्छा जा रहा है, फ्रेट अर्निंग करीब 40% इंक्रीज़ हुआ है इस साल अभी तक। और जो मेज लोडिंग जो करते हैं उनको भी काफ़ी हम लोग प्रोत्साहन किया है और उनका भी लोडिंग काफ़ी अच्छा जा रहा है, पिछले 2-3 वर्ष से काफ़ी अच्छा लोडिंग जा रहा है। तो वो भी FOB आ जाएगा, एक प्लेटफॉर्म नंबर 8 जो है जो मॉडल प्लेटफॉर्म कहा जाता है, वो भी
अगला दो महीना में वो चालू हो जाएगा। तो कटिहार मंडल का और डिवीजन का या जो स्टेशन का और इम्प्रूवमेंट होगा, आप लोग देखेंगे अगला तीन महीना से और इम्प्रूवमेंट होगा। और एनजेपी स्टेशन जो है, एनजेपी स्टेशन का कॉन्कोर्स एरिया प्लस बिल्डिंग, उसका भी हम लोग इम्प्रूवमेंट का प्लान लिए हुए हैं। तो वो अभी टेंडरिंग होने वाला है जल्दी से, और मेरा ख्याल में अगला 6 महीना में वो भी पूरा चेंज हो जाएगा कॉन्कोर्स एरिया। स्टाफ जो है, रेलवे स्टाफ जो है रिटायर हो रहे हैं, तो उसमें से 13 स्टाफ जो है अभी आ पाए। तो ऐसे नॉर्मली हम लोग महीना का एंड में जो है स्टाफ को वो पेंशन का एक होता है, किताब भी देते हैं प्लस उनको सम्मानित करते हैं। बट हम लोग सोचा कि अभी ये फंक्शन में भी उन लोगों को बुलाया जाए, इतना साल इन लोग नौकरी किया है तो उनको भी थोड़ा सा, ये जो हम लोग इतना सेलिब्रेशन कर रहे हैं, दे शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन, तो इसलिए हम लोग उनको बुलाए हैं। जो रेलवे की योजना है, जितने भी ए कैटेगरी A1 कैटेगरी के स्टेशन हैं उन सबका विकास करके उनका फेस लिफ्टिंग करना, उनमें सुविधाएं बढ़ाना, और ये काम पिछले वर्ष से ही चल रहा है और उम्मीद कर रहे हैं हम लोग अगले कुछ महीनों में ही दिसंबर के पहले ये सारे काम पूरे हो जाएंगे। तो जो सुविधाएं आप सोच रहे हैं वो सब सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। 50 साल गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन जो आज शुरू हुआ है कटिहार मंडल का, मुझे गर्व है कि मैं इसका पार्ट रहा कभी, और इसकी विकास यात्रा में मेरा भी कुछ सहभाग रहा। पहले तो सभी कटिहार मंडल के कर्मचारियों को, अधिकारियों को और कटिहार निवासियों को इस अवसर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि इन्होंने कटिहार मंडल को इस ऊंचाई तक पहुंचाया। बिना कटिहार की जनता के सहयोग के, कटिहार मंडल के कर्मचारियों के सहयोग से ये संभव नहीं हो पाता। और आज जिस तरह से यहाँ पर सुविधाएँ बढ़ती जा रही हैं, ट्रेनों का आवागमन भी बढ़ता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि कटिहार के लिए एक सौगात का काम होगा कि सुविधाएं जो बढ़ रही हैं वो अच्छी रहेंगी उनके लिए। आज बड़ा ही हर्ष का दिन है कि कटिहार डिवीज़न ने अपना गौरवशाली 50 वर्ष पूरा किया, और विभिन्न मॉडल्स के तहत के द्वारा इन्होंने जो हमने 50 साल किस तरह तकनीक के रूप में किस तरह विकास हुआ है उसको बड़े ही अच्छे ढंग से, बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित किया, जिसमें निश्चित रूप से रेलवे डिवीज़न के कर्मचारी अधिकारियों ने काफ़ी मेहनत की है, जो उनके कार्य और अच्छे मॉडल के इससे दिख रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रेलवे भारत के लिए क्या महत्व रखता है, आप फ्रीडम स्ट्रगल से प्रारंभ करें तो हमारे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों ही विकास में रेलवे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और आज भी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका एक अच्छा प्रतीक बना हुआ है। कनेक्टिविटी तो निश्चित रूप से रेलवे भारत का एक अभिन्न अंग रहा है हर विकास में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कटिहार का ये रेलवे स्टेशन जिस प्रकार अपना पहचान बनाए हुए है, बिहार राज्य में निश्चित रूप से बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ रेलवे स्टेशन के रूप में ये प्रचलित है, अपने इसी गौरवशाली इतिहास को बनाते हुए निरंतर प्रगति करें। मैं आज सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, रेलवे डिवीज़न के को बहुत बधाई देती हूं और उम्मीद करती हूं कि हमारा रेल इसी तरह विकास करता रहेगा।